आज अष्टमी है, सो हैप्पी अष्टमी। आज हम लोग के कन्या पूजन होता है, मतलब कन्या खिलाई जाती है, तो उसके लिए सब्जी बनाने के लिए मम्मी को मैंने मिर्ची चॉप करके दी। मिर्ची इतनी तीखी थी ना, मेरे इतने हाथ जल रहे हैं, और उन्हीं हाथों से मैंने अभी फेस में मॉइस्चराइजर लगाया था ना, फेस भी जल रहा है। इन केस अगर तुम लोग भी कड़वी मिर्ची चॉप करो, तीखी मिर्ची, तो उन हाथों से फेस पे कुछ भी मत लगाना, वो हाथ ही फेस पे मत लगाना, नहीं तो तुम्हारा फेस इसे बर्न करेगा। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो पूजा के लिए वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, सो सी यू इन सम टाइम। हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी अष्टमी। तो हम लोग के लिए ना लास्ट व्रत जो होता है ना नवरात्रि का, वो आज के दिन पे होता है। अभी बजिए 11:20 और कन्या ऑलरेडी आ चुकी हैं। आ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ। तो हम लोग पूजा अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, उसके बाद तुमको मिलती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ मंदिर में, और भाई ये कन्या लोग लड़ रहे हैं आपस में। आ जाओ अंदर आओ, छोड़ो फालतू लड़ाई कर रहे हैं, आ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? पूजा कर लूँ उसके बाद कर लेना बातें जितनी करनी है। हाय बोल दो एक बार, बोलो जय माता दी। हमारे पास में ना एक बस्ती है, तो हमने वहां से बुलवाए सारे बच्चे। भाई ये क्या चल रहा है, गर्वे करने लग गए ये लोग। बड़ी मुश्किल से चुपचाप बैठे हैं ये लोग। आपका आरती, इसका नाम आरती। आपका क्या है? कुसुम। देविका, देविका नाम है आपका। तन्नू, ये मेरे पास रोज आती है शाम को, ये गरबे खेलने जाती है ना, तो जब तैयार होती है ना, इसके पहले इसको तैयार करती है, तो मुझे दिखाने आती है अपनी ड्रेस और अपना मेकअप। और ये रूपा, इसका नाम रूपा है। और आपका करिश्मा। और इसका आपका अंकुशा। अंकुशा नाम तो बड़े मस्त। संजना, अरे वाह नाम तो बढ़िया रखे। आपका देवा, भाई नाम देखो, इसका नाम है देवा, उसका नाम है देवी, किसका देवी, किसका देविका, देविका। और इसका देवा, और इसका वीरू। ये लोग आपस में सब भाई बहन है। हाँ। बोलो जय माता दी। वो पीछे भी बोलो जय माता दी। मैंने नहीं सुनिया। जय माता दी। जय माता दी। बोलो जय माता दी। फिर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अब खा लो, चुपचाप खा लो, ठीक है? इन बच्चों को लालच दिए मैंने, मैंने बोले जो भी थाली पूरी चट कर जाएगा, कुछ भी नहीं बचाएगा, उसको गिफ्ट मिलेगी, ठीक है? अच्छी वाली गिफ्ट मिलेगी, मस्त। वैसे मैं गिफ्ट तो सबको देने वाली हूँ आंटी जी। कन्या पूजन हो रहा है भाई। हाँ अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसका सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। ओम बेरानी। जय माता दी। जय। कन्या पूजन हो गया, अब हम लोग जाएंगे मंदिर, जहाँ हम लोग हर नवरात्रि पे जाते हैं, और वहीं जाकर हम लोग फास्ट खोलते हैं हमारा। वहाँ हवन में आहुति देनी पड़ती है, और मंदिर में जो वहाँ का जो प्रसाद मिलता है ना, वो खा के हमारा व्रत टूटता है, ऐसा कुछ होता है। मतलब स्टार्टिंग से सब लोग ऐसा ही करते आए, तो हम लोग भी फिर ऐसा ही करते हैं। और मैं कल गुजरात जा रही हूँ, काफ़ी सालों से वेट कर रही थी। हर साल ऐसा होता कि जाना है जाना है, लेकिन फिर किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाता, लेकिन इस बार फाइनली प्लान फिक्स हो गया है बिल्कुल।
और रिजर्वेशन करा लिए हमने और हम लोग कल जा रहे हैं सुबह, नवमी की सुबह को हमारी ट्रेन है। आई एम सो एक्साइटेड। अंबाजी जाएंगे हम लोग, मेरी बुआ रहती है वहाँ पर, और वहाँ पर अंबे माता का बहुत बड़ा मंदिर है। उस मंदिर में इतना सुकून मिलता है ना बैठकर, तो मैं वहाँ पर भी व्लॉग करूँगी। सो बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग वहाँ पे गरबे खेलेंगे, दो दिन गरबे खेलेंगे, दशहरा के बाद हम लोग आएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट व्लॉग टू। और आज मेरी स्किन भी ग्लो कर रही है ना, एक सेकेंड, यहाँ सिंदूर लग गया है, हट गया। तो चलो रेडी होते हैं और चलते बनते हैं मंदिर में। दो दिन बाद दशहरा है ना, तो रेडीमेड रावण मिल रहा है यहाँ पर। पहले क्या होता था ना, हमारी गली के जो लड़के लोग होते थे वो बनाते थे सामान लाके, रॉ सारी चीज़ें, और फिर रावण को बनाते थे। आजकल रेडीमेड रावण मिल रहा है बट मार्केट में। और ये वाला तो सबसे बड़ा था। और ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हम लोग अपना फास्ट खोलने के लिए आते हैं। और ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब जब से मुझे अकल आई है, समझ आई है, तब से मैं देखती आ रही हूँ कि हमारी जो भी फैमिली के लोग हैं ना, यहाँ पर आते हैं अष्टमी पर। तो हम लोग मंदिर से आ रहे हैं अभी, बहुत पतली गली में जा जा के अंदर आता है मंदिर, और वहाँ का प्रसाद खाने के बाद ही हमारा फास्ट खुलता है। तो हम लोग वहीं से एक बाइट खा के आए प्रसाद का, हम लोग जाएंगे घर पर। हम लोग यहाँ से शक्करकंद सीताफल ले रहे थे, यहाँ बच्चे तोल रहे। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? सो रही है? तो सो रही है, बच्चे काम कर रहे। हाय कर दे। चल मारी। अरे मूंगफली किसकी है? तेरा नाम क्या है? क्या? अंशिता। अरे वाह, स्कूल जाते हो? स्कूल 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 नहीं जाते? क्यों? आपके तो सामने ही स्कूल है यहाँ पे। नहीं जाते? नहीं जाते? बाय कर दो, बाय। ये लोग स्कूल नहीं जाते लेकिन इनको हिसाब सारा करने आता है। बोले थे सारी गीली हो रही थी। तो तुम लोग कहाँ से सीखे फिर? मम्मी पापा ने सिखाया है। अरे वाह, तो पता है अगर तुम स्कूल जाते तो तुम कितने होशियार हो जाते, है ना? हम लोग घर आ गए, आते आते बज गई 3, लेट हो गई क्योंकि हम लोग बीच में रुके भी थे ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी क्योंकि कल मैं जा रही हूँ, तो मुझे 2-3 सामान लेने थे। हम लोग खाना खाएंगे, मैं मंदिर से ले लेती हूँ भोग की थाली, और लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ाया था ना भोग। एक सेकेंड, तो उसको भी प्रसाद करके खाएंगे। फाइनली कुछ खा रही हूँ। अष्टमी का जो खाना होता है ना, हलवा पूरी चावल सब्जी, उसको देखे ना सीधा नॉस्टैल्जिया हिट करता है, क्योंकि बचपन में हम लोग भी कन्या खाने जाते थे हर किसी के घर, तो हर कोई हलवा पूरी बनाता था, तो इसीलिए सारी मेमोरीज याद आ जाती है। मेरा पूरा ग्रुप होता था, हम पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप जाते थे हर किसी के घर पर खाने के लिए, बहुत मज़ा आता था। ये मिला था मंदिर से, इसका हलवा पूड़ी खाया चने, और घर का सिर्फ यही खाया, वो तो मैंने छुआ भी नहीं है। और ये भोग की थाली थी जो मंदिर की थी, बस वही खाई, पेट भर गया इन सब में। और क्या होता है ना, लेट खाते हैं ना तो फिर भूख भी मर जाती है आधी, ऐसा होता है। तो शायद आधी भूख मर गई, थोड़ा ही खाना खाया। इसमें से मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर खाया है। मम्मा पानी देना। Now I think I should end this vlog here only. वैसा मुझे नींद आ रही है पर मैं सोऊंगी नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। So I hope you guys liked the video, and if you did, you know the drill. Like, share, subscribe. So see you soon. Do what you love. Bye.